नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल डी क्यू मैथ में स्वागत है। हमारा आज का सवाल है 2707 बटे अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 27.07। इसमें हमें ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या मान रहेगा। उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे या लिखेंगे हम 2707 बटे अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर, यहाँ पे दशमलव है तो बटे करके हम दशमलव के नीचे हम 1 लिखेंगे और दशमलव के दाएं तरफ जितने भी अंक रहते हैं उतना हम 0 बढ़ा देते हैं, तो वहां पे जो हमारा दशमलव है हट जाता है। यहाँ हमारा हो जाएगा 2707 बटे 100। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 2707 में, और अंडर क्वेश्चन मार्क का इसमें इसका जो हमारा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2707 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर। अब यहाँ पे जो हमारा 2707 है इसका हमारा 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2707 सात गुणित 100 यहाँ पे जब हम अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर करेंगे तो हमारा 2707 इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ पे जाएगा हमारा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 2707 100। अब हमारे 2707 जो गुणित में है यहाँ पे बटे में हो जाएगा, जाएगा 2707 अब देखिए यहाँ पे हमारा 2707 से 2707 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारा बचा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर, यहाँ हमारा 100 बचा है तो हम 100 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों बच्चों का हम पूर्ण वर्ग कर देंगे, स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमारा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है का स्क्वायर है, मतलब इसका हमारा 2 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे लिख देंगे हम अंडर रूट क्वेश्चन मार्क गुणित अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर, 100 का हमारा होल स्क्वायर है, 100 का भी हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 गुणित सौ बराबर। अब यहाँ हमारा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क में अंडर रूट क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क गुणित क्वेश्चन मार्क बराबर, 100 का यहाँ 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,000।
जब भी अंडर रूट में जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या हमारी बाहर आ जाती है। तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर 10,000। इस प्रकार क्वेश्चन मार्क हमारा कितना आ गया 10,000, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।